ओम शांति। मेरा नाम मनीषा है। हम टीवी पे पीस ऑफ माइंड प्रोग्राम देखते थे। एक दिन मैं चैनल बदल रही थी तो फिर मैं प्रोग्राम सुन रही थी तो मेरे को अच्छा लगा तो फिर मैं रोज़ देखने लगी। तो फिर एक दिन हमें सेंटर का पता चला तो फिर हम सेंटर पे गए। तो नेक्स्ट डे मेरे पति भी गए साथ में तो उनको वहाँ पे वाइब्रेशन मिली। फिर हमने पूरी फैमिली ने कोर्स किया तो फिर हमें अच्छा लगने लग गया। फिर हम तीसरे महीने माउंट आबू चले गए तो फिर हम वहाँ से पूरी धारणाएँ मतलब करके आए थे और करने लग पूरा मुरली सुनने लग गए और सेवा भी करने लग गए कि बाबा मिलन कर लिया। तो फिर हमें अच्छा लगने लगा कि ज्ञान में बाबा मिलन पे भी हमने अनुभव किया कि बाबा कैसे एक एक को दृष्टि मतलब कि देते हैं। तो ज्ञान में मतलब कि पहले हमारे घर में सभी चल पड़े, फिर आस पड़ोस में 10-15 लोग चलने मतलब चल पड़े तो उनको भी अच्छा लगने लगा। तो ज्ञान में आने के बाद मतलब कि सभी जैसे गुस्सा चला गया, गुस्सा आता था पहले तो फिर कितने मतलब परिवर्तन होने लग गए कि जैसे मन शांत रहने लग गया। तो फिर मतलब एक्सपीरियंस मतलब सा हर चीज़ मतलब अच्छी लगने लगी। ज्ञान में सब तरह से मतलब दीदियों का भी सहयोग जैसे मिलता था कि जैसे सेवा करने जाते थे तो फिर अच्छा लगता था। माउंट आबू में भी सेवा करने का मौका मिला तो वहाँ पे भी सारा कुछ अच्छा था। मतलब कि ज्ञान में सबको एक बार ज्ञान लेना चाहिए। तो जैसे विषव परिवर्तन का मतलब अब समय है कि सभी को ज्ञान लेने से मतलब कि मेडिटेशन करना चाहिए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो बाबा की भी जैसे मदद मिलती है तो बाप कहते हैं कि जैसे आप एक कदम हिम्मत का बढ़ाते हो तो 10 कदम मदद मैं करता हूँ। तो बाबा शब्द कहने से ही भाई लोगों को आपको अच्छा मतलब लगता है कि जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ के 4 सब्जेक्ट हैं कि जैसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। मतलब ज्ञान में मतलब कि सबसे अच्छा ये लगा कि भक्ति में कोई ये बातें बताता नहीं था, कोई गुरु ये बातें बताते नहीं थे। तो फिर कई चीज़ें हमें यहाँ पे आके पता चली कि जो कभी किसी ने बताई नहीं। तो फिर हमें पता चलने लगा कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये जो ईश्वर का ज्ञान है वो ईश्वर ही दे सकते हैं, उनके सिवा और कोई हमें ये ज्ञान नहीं दे सकते। तो ईश्वर का ही ये कार्य है तो उसमें हमें सहयोग देना चाहिए। कि जैसे विषव परिवर्तन का समय चल रहा है कि युग परिवर्तन का समय है तो लोगों को भी जैसे मेडिटेशन सीखना चाहिए। मैं तो यही सजेशन सभी को दे सकती हूँ कि परिवार के लोगों को भी जैसे हम समझाते हैं तो फिर वो जैसे समझ जाते हैं। तो बाबा का ज्ञान सबके लिए ही अच्छा है, कोई भी इस ज्ञान को ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई भेदभाव नहीं है, सभी धर्म वाले आ सकते हैं, भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो बाबा ने तो वैसे ही कहा है कि एक धर्म एक राज्य होगा। तो अभी कितने धर्म फैले हुए हैं तो वो भी यहाँ पे ये एक अच्छी बात मिलती है कि सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी इस ज्ञान को समझते हैं। और सबका सार धर्मों का यही है कि जैसे भगवान लाइट है तो ये ज्ञान हमें मतलब कि अप्लाई करना चाहिए। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है और वाइब्रेशन मिलती हैं। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि उनको भी वहाँ यहाँ आके वाइब्रेशन मिलती हैं। जैसे बाहर की दुनिया में मतलब कि वो वाइब्रेशन नहीं मिलती हैं कि जो इधर आके हमें मिलती हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो हमने मतलब कि एक तो गुस्सा चला गया है तो और भी कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं कि मन शांत रहने लगा है। तो हर तरह से ये ज्ञान हमें मतलब कि अच्छा लग रहा है। तो मधुबन भी जाने का मतलब मौका मिलता है तो मधुबन में भी बहुत जैसे बाबा के कमरे में, मधुबन में, झोपड़ी में, तो शांति स्तंभ में मतलब हिस्ट्री हॉल में बहुत अच्छा मिलता है। दुनिया के वातावरण से ये वाला वातावरण हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ आके बहुत मतलब अच्छा लगता है। हम लोगों को बहुत
जैसे अच्छा लगा है। बाहर तमो प्रधान वायुमंडल से ये वाला वायुमंडल बहुत मतलब हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दीदियाँ भी इतना स्नेह प्यार देती हैं। जैसे एक दिन मुरली क्लास में आप नहीं जाते तो वो पूछते हैं कि आप आए क्यों नहीं, तो इतना इधर प्यार मिलता है, तो इतना स्नेह मिलता है। ये ईश्वरीय फैमिली से हमें बहुत स्नेह मिला है और सहयोग भी मिला है, तो बाबा की मदद हमें मिलती रहती है। यही सबसे बड़ा मतलब कि परिवर्तन है कि पहले किसी स्थिति को देखकर घबरा जाते थे तो अब फेस करते हैं, तो फिर मतलब कि कोई स्थिति हमें ऐसी लगती नहीं है, बड़ी समस्या भी बड़ी लगती नहीं है कि सारा कुछ हैंडल कर मतलब कि इस ज्ञान से हो जाता है। रोज़ ही बाबा मुरली में कोई ना कोई आपका जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुरली में कोई ना कोई सॉल्यूशन मतलब कि निकल जाता है, उससे आपको कोई ना कोई टचिंग बाबा से मिल जाती है। तो सभी को यही सजेशन देते हैं कि नुम्मा शाम का योग और अमृत वेला कभी मिस ना करें, कि अमृत वेला में बाबा की टचिंग मिलती है। तो ये ज्ञान हर तरह से हमें मदद करता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये ज्ञान हमें बहुत मदद करता है। ओम शांति।